बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो इस वक्त हम जा रहे हैं जी तहलूस की तरफ। ये ज़िला बाटग्राम तहसील अलाई के अंदर है। ये भी काफ़ी ख़ूबसूरत गाँव है और ये भी मुकम्मल तौर पे अनएक्सप्लोर है। तो हम इसको आज जाके एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ की खूबसूरती जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये जो है ना मेन बाज़ार कर से इसका रास्ता जाता है तहसील अलाई में, क्योंकि तहसील काफ़ी बड़ी है, इसके अंदर काफ़ी सारे गांव हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे जो गांव सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं हमने वही गांव आपको दिखाने हैं। यहाँ तक रोड तो काफ़ी बेहतर है, यानी कि इतना टूटा हुआ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और रात को इधर बारिश हुई थी जिसकी वजह से यहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा खड़ा हुआ है। यहाँ पे इस टाइम जो है ना तकरीबन टाइम 10 बजने वाले हैं और धूप जो है ना यहाँ पे सख्त है थोड़ी सी, क्योंकि हाइट है काफ़ी ज़्यादा। ये जो अलाई की ये वाली जगह जो है ना, ये काफ़ी हाइट के ऊपर है, तो यहाँ पे जो सूरज की तपिश है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और अगर यहाँ पे बारिश हो जाए, रात को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी, मैं जब सोया तो मैंने रज़ाई ले कर सोई, यानी कि रात को ठंड थी काफ़ी ज़्यादा। तो अभी इतनी ठंड नहीं है, लेकिन धूप यहाँ पर थोड़ी सी सख्त है क्योंकि हाइट है। सामने देखें जी चोटी का नज़ारा, काफ़ी ज़्यादा हाइट है इस चोटी की, वो ऊपर तक जा रही है। इस वक्त हम हाइट के ऊपर खड़े, नीचे जो आपको गांव नज़र आ रहा है ये तहलूस है, और इसके अंदर से जो दरिया गुजर रहा है इसको तहलूस दरिया कहते हैं। और नीचे लोगों ने फसलें वगैरह काश्त की गई हैं, और इस साइड पे आगे डैम है जो बिजली वगैरह जनरेट कर रहा है। ये तकरीबन 1,21,000 मेगावाट बिजली जनरेट हो रही है, वो इसी डैम से हो रही है, तो ये काफ़ी बड़ा डैम है। तो मज़ीद हम नीचे जा कर देखते हैं गाँव को भी, और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हाइट है। तो अभी हम जाते हैं जी नीचे की तरफ। तो अभी नीचे जो रोड जा रहा है ये तहलूस गाँव की तरफ जा रहा है, और ये जो सामने रोड जा रहा है ये रोड जा रहा है अभी शाम की तरफ, और ये जो पीछे से रोड आ रहा है इस साइड से, ये बना और करक वाली साइड से आ रहा है, और फिर यहाँ से जा रहा है बिशाम वाली साइड पे। तो आपने क्या करना, जब इस गाँव के अंदर आना है तो आपने बिशाम की तरफ नहीं जाना, बल्कि यहाँ से आपने नीचे टर्न लेनी है। तो अभी हम नीचे वाली साइड पर जाते हैं गाँव के अंदर। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी गलियां इस गाँव की, मुकम्मल कंक्रीट शुदा हैं, और यहाँ पे जो कमरे वगैरह बनाए गए हैं
ये जी शीटू के बनाए गए हैं, और सामने दुकानें देखें आप। तो ये जी इधर साथ ही मस्जिद है एक, तो ये इस जगह के अंदर बैठ के ये वजू वगैरह बनाते हैं, और ये जो है जगह संजा खाने के लिए इन्होंने बनाई हुई। देखिए जी कितना पुराना सिस्टम है, यहाँ पे बैठ के संजा वगैरह करते हैं ये, और इस जगह के ऊपर ये बैठ के अपना वजू वगैरह करते हैं, और फिर ये पानी जो आगे नदी के अंदर जा रहा है। तो इस गांव की जो मस्जिद है माशाल्लाह देखिए कितनी प्यारी है, और यहाँ पे जो नक्शा निगार लकड़ी के ऊपर किया हुआ है आपको दिखाते हैं, ये तकरीबन 50 साल पुराना है जी डिज़ाइन, ये वाला लकड़ी के ऊपर जो कशीदाकारी की गई है, और अंदर माशाल्लाह कालीन वगैरह लगाया गया है, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये वाली। और इसका बाहर का व्यू देखें, उस साइड पे काफ़ी ज़्यादा ऊंची हाइट, और वो टावर लगे हुए किस किस कंपनी के हैं? वो टेलीनार के थे, जेज के। यहाँ पे 4G नेट चलता है? जी जी यहाँ पे जी 4G नेट। और ये पौधा किस चीज़ का है? ये चिनार जिसको कहते हैं। ये काफ़ी बड़ा हो जाता है? हाँ बहुत, ये पहले यहाँ पे बहुत बड़ा था ना। अच्छा, उसको काटा गया, सही, एक दूसरा पौधा लगा लिया। तो इसके उम्र बहुत ज़्यादा होती है ना? अंदाज़ा इस पौधे की उम्र कितनी होती है? ये तो सालों से मतलब बहुत साल इसके होते हैं, अभी जो है ये तो बहुत छोटा है। अच्छा, और इसके जो ओढ़ने का रेट है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। सही। इसके गिर्द ये बाड़ किस लिए लगाई गई है? वैसे खूबसूरती के लिए जी। ये देखें जी इसका फाल ऊपर, चिनार दरख्त साए के लिए ज़्यादा मशहूर है, इसकी छाँव जो है वो काफ़ी टनी होती है, गर्मी नहीं लगती इसके नीचे। तो ये इस गांव का जी बाहर का व्यू देखें, और ये जो यहाँ पे दरिया था, तो अभी आगे चलते हैं इस साइड पे जी। इस पानी के साथ आगे चक्की चलाते हैं जी, अट्टे वाली जी जी। अच्छा, उस साइड पे भी जाते हैं जी, पहले ये पुल की तरफ जाते हैं, ये पुल है जी इस गांव का दूसरी साइड पे जाने के लिए। और यहाँ पे पानी की अब स्पीड देखें, बच्चे इसके अंदर कैसे नहा रहे हैं इतनी स्पीड के अंदर, इनको डर नहीं लगता? नहीं भी आदी है। अच्छा, याद नहीं है बच्चे? हिलता है ये ना? हाँ झूलता है तो। अभी हिल रहा है जन, ओ काफ़ी ज़्यादा अभी तो हिल रहा है वो जब नया बंदा आता है वो तो गुजरता है, डरता होगा यहाँ से। ये लकड़ी का पुल है, जब यहाँ से गुजरते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हिलता है। हाँ दरअसल इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है ना। अच्छा, इसकी लंबाई ज़्यादा है इसलिए ये हिलता है ज़्यादा? जी जी सही। और इसकी मजबूती के लिए यहाँ पे जो देखें ये वायर्स टोचन वगैरह लगाए गए हैं बिल्कुल, और नीचे जो इसके गार्डर लगे हुए हैं। वो नीचे वायर किस लिए लगाई गई है वो नीचे वाले? ये भी इसी के जो है वो अलाइनमेंटेड करने के। अच्छा, अलाइनमेंट के लिए है। वहाँ भी जो हमारा लोकल जो टर्बाइन है ना वो वहाँ पे लगा हुआ है। अच्छा, उसकी बिजली भी बनती है। बहुत प्यारा गांव है जी, सरसब्ज गांव है ये माशाल्लाह। और यहाँ पे जी चावल की फसल लगाई गई है। अच्छा, इसके अंदर मैंने एक चीज़ नोट किया है कि जो हमारे पंजाब के चावल होते हैं उनका जायका, और यहाँ के जो चावल हैं आपके उनके जायके का फ़र्क है। हाँ, ये वो जापानी चावल जिसको कहते हैं ना, वही है। अच्छा अच्छा, यहाँ पूरे अलाई में जितने भी चावल उगाए जाते हैं वही जापानी चावल है, जो मोटे चावल होते हैं। सही, बड़े बड़े, और पंजाब के तो दूसरे होते हैं। ये दरख्त है जी बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, और इसकी जो चौड़ाई है वो मेरे ख्याल में तकरीबन 6-7 फुट होगी, और हाइट काफ़ी ज़्यादा है इस दरख्त की, और चौड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा है। भाई साहब इसकी जो एज बता रहे हैं वो कम से कम 150 साल बता रहे हैं, यानी कि बहुत पुराना दरख्त है ये। और इस साइड का व्यू देखें इसका,
तैलूस गांव का जी व्यू आप देख लें, मुकम्मल ग्रीन है ये। और इस साइड पे बच्चे नहा रहे हैं नीचे, ये देखें नहीं यहाँ पे। और ये जितना भी ये सारे के सारा मुकम्मल गांव है वो आगे तक जा रहा है और ये पीछे से स्टार्ट हो रहा है ये गांव। और इस साइड पे काफ़ी ज़्यादा हाइट है। और ये देखे बच्चे यहाँ पे कितनी तेज़ी के साथ नहा रहे हैं और इनको डर बिल्कुल नहीं लगता। तो अभी हम लोग जी यहाँ से दरिया को क्रॉस कर रहे हैं, छोटा सा दरिया है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, पानी है यहाँ पे है। ये देखें जी अभी वो दूसरी साइड पे जाना है अभी हमने। काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे तो ना जी जी। और इसके अंदर जो है ना अभी वही पुराना सिस्टम लगा हुआ है, आटा बनाने के लिए यहाँ पे जो है ना वो आटा वो पानी वाली चक्की के साथ बनाते हैं। तो वो चक्की भी आपको दिखाते हैं कि उसके साथ आटा कैसे बनता है। और मैं दोबारा उसी पुल के ऊपर आ गया हूँ जिधर से पहले गुजर के गए थे। और यहाँ पे पानी का काफ़ी ज़्यादा शोर है, काफ़ी ज़्यादा ये पुल जो है ना हिलता है जब इसके ऊपर चलते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर थरथराहट पैदा होती है। बहुत ही खूबसूरत व्यू है जी यहाँ का। और जो चक्की चलती है वो पानी के साथ चलती है और उसके साथ आटा बनता है, वो चक्की भी आपको दिखाते हैं। और वो उस तरफ है चक्की, वो उस साइड पे लगी हुई पानी के साथ चलती है, तो वहाँ पे जाते हैं वो देखते हैं कि कैसे। भाई साहब होंगे तो उनको बोलते हैं कि हमें चला के दिखाएं। और इस जगह से नीचे पानी जा रहा है और ये देखें इसकी मजबूती के लिए यहाँ पे कितने मोटे मोटे यानी ये वायर्स लगाई गई हैं जो इसको टाइट करती हैं और पिलकों में मजबूत रखती हैं। और ये पानी उसी साइड पे जा रहा है। तो ये जो पाइप आ रहा है लकड़ी का, ये नीचे जब प्रेशर जब पड़ता है टरबाइन के ऊपर तो टरबाइन घूमती है, और घूमने के साथ जो ये पत्थर का सिस्टम जो टरबाइन के साथ होता है, और जब टरबाइन घूमती है तो उसके साथ ये पत्थर घूमता है और फिर जो ना दाने इसके अंदर गिरते हैं और उनसे ये आटा बनता है। ये देखिए मकई का आटा है, ये मकई का आटा है जी। ये देखिए और गंदम का जो आटा है वो भी इसी के साथ बनता है, मकई का भी बनता है और गंदम का भी बनता है। अभी इसको नीचे से दिखा दें। और ये क्लिप उन भाइयों के लिए है, पहले भी मैंने एक वीडियो इसके ऊपर बनाई थी, एक गांव था जिसके अंदर यानी कि चक्कियाँ वगैरह लगी हुई थी, लेकिन कुछ भाई कह रहे थे आप हमें चला के दिखाएं वो चक्की चलती कैसे है। तो ये स्पेशल क्लिप उन भाइयों के लिए मैंने ऐड किया है ताकि वो ये चीज़ देख लें कि पान चक्की के साथ आटा कैसे बनता है। ये देखें और ये इसका समझ लें क्या कहते हैं कम ज़्यादा, ये इसकी स्पीड को कंट्रोल करता है। अगर इसको नीचे कर देंगे तो दाने ज़्यादा आएंगे ऊपर से नीचे। और यहाँ पे जो है ना गंदम या मकई वो डाल दें यहाँ पे, और ये नीचे जो है आटा बन रहा है। और पानी फिर यहाँ से नीचे से होके इस साइड से आ, और ये पानी देख के नीचे जा रहा है इस साइड पे, और फिर आगे आगे नदी नाले के अंदर गिर रहा है।
और आप ये देख रहे हैं ये पानी टर्बाइन के ऊपर गिरता है, तो इसकी स्पीड यहाँ पे चेक करें कितनी ज़्यादा स्पीड है। वो जब टर्बाइन घूमती है तो उसके साथ ऊपर वो जो मशीन लगी हुई है आटे वाली या चक्की जो भी है, वो पत्थर घूमता है तो आटा बनता है। ये देखिए यहाँ से, और फिर पानी यहाँ से इस नदी के अंदर आके गिर रहा है, या सॉरी ये जो दरिया था इसके अंदर आके गिर रहा है। और ये इसका बाहर का व्यू है, ये देखिए यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। तो ये है जी इस गाँव का तंदूर। क्या हाल है भाई साहब, खैरियत है? रोटी बना रहे हैं? अच्छा, एक छोटा सा मार्केट है, लेकिन रात 12 बजे तक ये। ये देखें जी इस गाँव का मार्केट। अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पे टॉफियाँ वगैरह लगाई गई हैं। ये छोटा ही सी दुकान है जी, कितनी प्यारी है। और अभी बाहर जाते हैं। और ये देखें जी, ये छोटी सी दुकान है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब, खैरियत है? माशाल्लाह बड़ी प्यारी दुकान है। कितने बजे तक खुला रहता है ये दुकान, दिन के या रात के? अच्छा, रात 10 बजे बंद कर देता है। यहाँ इस बाज़ार से हर चीज़ मिल जाती है, यानी कि खाने पीने की। ये देखें जी यहाँ की दुकानदारी। फिर आप जब ये सामान ख़त्म हो जाता है तो नज़दीक आपको बड़ी मार्केट है, या आप कहाँ से लेके आते हैं ये सामान? कहाँ से? अच्छा, ये साथ बड़ा बाजार है, यहाँ से ले गया। Thank you.